ये थ्योरम नंबर आइए 6.18 जिसको कॉल देंगे ये शो करना है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपको हमने थ्योरम कराई थी कि एवरी आर इंटीग्रल फंक्शन इज बाउंडेड, तो क्या लिखोगे यहां? आर इंटीग्रल वो बाउंडेड है सर, ये f कॉमा z प्लस आर ए टी देन f and t are bounded function f and t कैसे होंगे दोनों bounded function। अब ये देखो f और t दोनों bounded है ना, तो bounded की condition क्या है? कोई भी function f of x अगर bounded है तो इसका मूल क्या हुआ है कि याद है यानी फर्स्ट चैप्टर में लिखाया हुआ है, लिखाया नहीं? देखिए अब आप समझोगे हम देन या ये लिख सकते हो देन f एंड g आर बाउंडेड फंक्शन, देयरफॉर k1 कॉमा k2 बिलोंग्स टू कैपिटल r यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, या ऐसे लिख दो छोड़ो ऐसे कि वो केवल का आप इन ग्राउंड टू कैपिटल का सच है, सच दैट f ऑफ x लेस देन इक्वल k1 एंड f ऑफ g लेस देन इक्वल k2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? f ऑफ x लेस देन इक्वल k1 एंड f ऑफ g लेस देन इक्वल k2, हम इसकी आंसर क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं कि m इनटू g है ना, वो भी बाउंडेड है या नहीं है? और f of x को क्या लिखेंगे? लेजर इक्वल k1 इनटू में कितना है k2, जो भी बना है मैं शेप का k2 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है k कितनी है k1 k2 में जो भी मैक्सिमम है वो k दोनों की जगह k यूज कर सकते हो, इंप्लाई रूट है f इनटू g of x लेजर इक्वल k2 देन f इनटू g इज बाउंडेड बाउंडेड फंक्शन। आप समझो यहां आपको f और g दोनों फंक्शन कैसे दे रखे हैं r इंटीग्रल, सिंस f बिलोंग्स टू r a t देन f का f ग्रेटर देन 0 देन फॉर ईच f का f ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 एंड यहां जो k है वो यही कर रहा है, ये ले रखे ना अपने, ये जो k लिया आता है हमारा दिमाग मुझे ये जो था इस k को लेके चल रहा है k ग्रेटर देन 0 एंड ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या आएगा? आप याद कीजिए अगर ये r इंटीग्रल है ना कोई पार्टीशन हो ले लो
एक पार्ट इसका ले लो पी वन ले ले, दूसरा फिर पी टू ले ले, पी वन पी टू का चेक कर ले, एफ डोमेस्टिक आर ए बी, एफ क्या है डोमेस्टिक आर ए बी, इसको ऐसे लिख रहे हैं F belongs to RAB, then each after a greater than 0, then for each after a greater than 0 and partition P1 such that kitna hota hai UF P1 minus LF P1 लाइटर में कितना है एप्सिलॉन होता है ना, लेकिन उसको हम एप्सिलॉन ना लेकर के एप्सिलॉन बाय 2 के लिए क्या ले रहे हैं उसको एप्सिलॉन बाय 2 के सिमिलरली क्या होगा होगी सिमिलरली एफ जी 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 ब्रांच को आ रहे हैं देन फॉर ईच प्रॉब्लम तो नहीं आता। अब आपके लिए हमने रिफाइनमेंट के अकॉर्डिंग बताया था, लास्ट जो थ्योरम कराई थी सेम उसी के स्टेप रहेंगे। तो इसमें देखिए लेट p इक्वल टू p1 यूनियन p2, लेट p इक्वल टू p1 यूनियन p2, p इक्वल सुन लो p क्या है p1 यूनियन p2 है ना, तो यहाँ p p1 और p2 का क्या होगा रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट ऑफ पी वन मैटर पी टू। अब आप ये बताओ इस रिफाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक थ्योरम कराई थी स्टार्टिंग में, दूसरे नंबर की थ्योरम थी वही लास्ट वाली थ्योरम में भी कोई ग्रुप में लिया था, और वो रिजल्ट था कितना, वो रिजल्ट था यूएफ पी माइनस एलएफ पी, क्या था उसके रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हो और या फिर हमारे लिख देते हैं यूएफ पी, क्या था यूएफ पी ग्रेटर देन एलएफ पी वन, अरे उसको देख लो उसके देखो वहां का कितना मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, वो थ्योरम की नहीं यू एफ पी डैश मैदर इक्वल यू एफ पी, और सेकंड है इसमें एल एफ पी एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल है कितना एल एफ पी, ये थ्योरम थी। लेकिन लेकिन वहां क्या था पी डैश रिफाइनमेंट था, अपने पास था ना रिफाइनमेंट पी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यू एफ पी क्या आएगा लेस देन इक्वल, यहां पे देखो कि पी की जगह पी1 और पी डैश जो रिफाइनमेंट है उसकी जगह पी है, तो लेस देन इक्वल के लिए पी1 पी1 और क्या बनेगा एल पी डैश ना पी, तो एल डैश पी डैश को पी लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा एल पी1 एंड और क्या बनेगा यू जी पी लेस देन इक्वल यू जी पी एंड एल जी पी ग्रेटर देन इक्वल कितना एल जी पी टू, ये बनेगा इसकी एल से क्या लिखोगे
इनको फर्स्ट रिजल्ट डाउन कर सो सेकंड इज टू थर्ड और सेकंड के नाम है आगे के नाम है हां सेकंड आ गया तो थर्ड और फोर्थ फ्रॉम 3 एंड 2 क्या बनेगा ये यूएमपी जब आप देखो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये साइन हो जाएगा इसके लिए था तो क्या लिखोगे यूएमपी माइनस एलएफपी यूएमपी माइनस का एलएफपी लेगरी कर क्या आएगा यूएमपी में माइनस एलएफपी यूएमपी में माइनस एलएफपी और ये क्या यूएमपी में माइनस एलएफपी यहां पे यूएमपी में माइनस एलएफपी और बैक साइड पे तो के एप्सिलॉन वाई टू पे इसको कोई नंबर ही डाल दो फिर एंड ऐसे ही क्या आएगा यूएमपी माइनस एलएफपी UMP minus LFP लाइटर इक्वल में क्या आएगा UMP2 UGP2 ये करा दे क्या यार G है UGP2 minus का LG P2 और इसकी भी वैल्यू क्या है लाइटर इक्वल में आपका लगभग टू के इसको नंबर सिक्स ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब अगर हम ये कहें इनके जो UMP LFP यानी इसमें जो सुप्रीमम और इंप्रीमम है ना F के G के और F into G के एक के सुप्रीमम इंप्रीमम और ले ले तो देखिए लेट लेट स्मॉल M R कॉमा स्मॉल M R M R डेस M R डेस कैपिटल M R डेस कॉमा स्मॉल M R डबल डेस कॉमा कैपिटल M R डबल डेस एंड स्मॉल एम आर कॉमा कैपिटल एम आर आर एमपीएम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एंड जी ऑफ एफ देखो फंक्शन एफ के सुप्रीम एमपीएम तो प्रीमम ये कॉमा जी के सुप्रीमम तो प्रीमम ये है एंड एफ इनटू जी के प्रीमम तो प्रीमम कौन है वो वाले ठीक है ना तो इसको हटाया आप क्या करोगे ये प्रीमम सुप्रीमम हो गए ना तो पहले यहां पर नोट कर दो फिर बात करते आगे करो नोट समझो
आगे अल्फा कोमा बीटा बातें एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, ये जो आर चंद्र वाला है ना इसमें लिख दो, ये जो तो इनमें तो प्रिंगम है ना, ये इसमें है एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, इस इंटरवल में आर चंद्र वाला है ना जो, अब आप क्या करोगे, जो आर चंद्र वाला है इससे कोई भी दो पॉइंट लिए अल्फा बीटा अल्फा कोमा बीटा तो उसको एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर करो, अल्फा बीटा कैसे है इसके दो पॉइंट है, जिनमें एक पे क्या है सबसे ऊपर दूसरे पे क्या है इन न्यू मेमोरी, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर हम ये कह दें कि f इनटू g है ना फंक्शन है f इनटू g, तो उसकी सुप्रीम वैल्यू बीटा का एंड ट्रू वैल्यू क्या है अल्फा, तो क्या लिखोगे देन f इनटू g ऑफ बीटा माइनस f इनटू g ऑफ इन न्यू वैल्यू इज पे अल्फा, तो इसको क्या लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो क्या लेटर इक्वल में अरे तो ऐसे कर दो इक्वल, और इसको क्या लिखोगे f ऑफ बीटा इनटू g ऑफ बीटा ऐसे माइनस f ऑफ अल्फा इनटू g ऑफ अल्फा, ठीक है ना, इसको भी क्या लिख सकते हैं ऐड कर दो, यानी प्लस माइनस करेंगे इसको, और जैसे ही प्लस माइनस करोगे f ऑफ बीटा इनटू में g ऑफ बीटा माइनस का f ऑफ अल्फा इनटू g बीटा, इतना तो इसमें माइनस कर दिया, तो ये इसमें प्लस हो गया f ऑफ अल्फा इनटू g बीटा माइनस f ऑफ अल्फा इनटू g ऑफ अल्फा, क्या लिखोगे इसको आप, इन दोनों को एक साथ लिखा जाए, इन दोनों को एक साथ लिखा जाए, क्या बन जाएगा यहाँ से, आए क्या कॉमन है g बीटा कॉमन है, g बीटा इसमें से कॉमन लीजिए, g बीटा कॉमन लिया तो क्या बचा f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा, प्लस में क्या है यहाँ से क्या कॉमन है f ऑफ अल्फा कॉमन लीजिए g बीटा माइनस का g अल्फा, ये तो रहा, अब देखिए इसको अगर हम ये कहिए जेड कर रहे हैं और ये जेड हो गए तो क्या होता है इसका लेटर इक्वल लिख सकते हो कितना g बीटा और कितना है यहाँ f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा, प्लस में क्या आएगा f ऑफ अल्फा और ये g बीटा माइनस g ऑफ अल्फा, ठीक है ना, क्या लिखोगे इसको मोड में आइए मोड में g बीटा करेंगे f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा और क्या प्लस f ऑफ अल्फा और ये है g बीटा माइनस का g ऑफ अल्फा, ये बताइए g बीटा है ना, g बीटा g ऑफ x क्या था, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि g ऑफ x क्या था और g ऑफ x बाउंडेड की कंडीशन से लेटर इक्वल के यही तो था, क्या लिखा है आपके में केवल लिखा है ना, एक लाइन रह गई थी उसमें केवल ही तो लिखा है आपके में k1 लिखा है ना, एक काम करो आपने जहां ये लिखा था ना, सुनो आपने ये लिखा था ना k1 और दूसरा लिखा था f ऑफ x को तो k1 लिखा g ऑफ x ना इसको क्या लिखा है इधर पर k2 कंप्लीट है, फिर लिखा था आपने k इक्वल टू कितना मैक्सिमम ऑफ k1 k2 तो आप क्या करोगे इसके नीचे एक लाइन और बढ़ा दो या इसके पीछे बची तो ये लिख देना मैं then would f of x less than equal क्या होगा कि और g of x less than equal क्या होगा कि ये तो बनेगा k1 k2 को फिर से रिप्लेस कर दिया इन दोनों में जो k1 और k2 में जो मैक्सिमम है वो क्या है k है, तो इसको हमने क्या लिख दिया यूज में k लिख दिया, तो वहां से देखो कितना बनाइए इसको तो हटाएं देखो मेरा एक दो स्टेप ही तो बढ़ रहे हैं उसमें, अब देखो इसमें क्या लगाया हम समझे,
ये बना यहाँ ये कंडीशन है तो आप यहाँ सबसे फोर्ड है फोर्ड पैक्स क्या है लेंथ एंड इक्वल की फोर्ड जी ऑफ एक्स क्या है लेंथ एंड इक्वल की यानी यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है एक्स को किसी भी पॉइंट पे रिप्लेस कर दो तो भी क्या आएगा अगर अल्फा है या एक्स की जगह तो क्या आएगा लेंथ एंड इक्वल की तो लेंथ एंड इक्वल की और कितना है एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा और ये एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा का मतलब है बीटा पे हमने क्या लिया था सुप्रीमम लेकिन फंक्शन एफ के लिए सुप्रीमम क्या है कैपिटल एम आर डैश और अल्फा पे मिनिमम कितना है स्मॉल एम आर डैश पर क्या है यहां एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा एफ ऑफ अल्फा ले दे इक्वल की और यहां जी बीटा बीटा पे सुप्रीमम क्या है एम आर डबल डैश माइनस जी अल्फा क्या है स्मॉल एम आर डबल डैश और यहां ध्यान देने का लेफ्ट साइड में f into g का सुप्रीमम क्या है कैपिटल m माइनस f into g का क्या है स्मॉल m ये जो है lr से मल्टीप्लाई करो इसमें कैपिटल m r l माइनस स्मॉल m r l और समेशन लीजिए इसमें r इक्वल टू 1 टू n r इक्वल टू 1 टू n लेंथ एंड इक्वल में क्या है ये इसकी वैल्यू क्या है अरे स्मॉल m r माइनस वो कैपिटल m r माइनस स्मॉल m r कितना है मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिलेगा ये समेशन के को तो दोनों में से जो आ रही नहीं सही है के को तो दोनों में से ही बाकी है कितना बनेगा ये समेशन r इक्वल टू 1 टू n m r डैश फॉर डेल r माइनस में समेशन r इक्वल टू 1 टू n ऑफ स्मॉल m r डेल r प्लस में क्या आएगा फिर यहाँ भी है समेशन r equal to 1 to n m r double dash del r minus का sigma r equal to 1 to n और small m r double dash del r अच्छा ये बताइए ये क्या है ये इसे ध्यान देना capital m r के लिए क्या बना था f into g तो था f into g के लिए हम दिए तो sin sigma इसको क्या लिखेंगे f into g माइनस एम और ये क्या सीपी क्या बनेगा ये लेंथ एंड इक्वल के और ये क्या है कितना ये एम आर ने सेम के लिए भी था ये रहा यू एफ पी और माइनस का कितना सुनो मेरी बात यू देखो एक मिनट अभी मैंने ये इक्वेशन नंबर है ना कौन सा इक्वेशन ये तो देखो मेरी बात सुनो ये जो इक्वेशन है ना यहाँ 5-6 इनको यूज में लेंगे अभी तो ये कितना अपना यू एफ पी माइनस ये क्या है एल एफ पी और प्लस का के एक को तो दोनों में से इस फॉर्मूला ले लिया ना हमने तो क्या बचा है यहाँ सर क्या आएगा अब तो जीपी है कितना ये जीपी आएगा ना UGP माइनस में कितना है LGP यही तो बना सारा अच्छा इसको क्या लिख सकते हो आप कि ये क्या UGP माइनस LGP इक्वेशन 5 6 से एप्सिलॉन बाय 2 के और भी क्या आएगा ये एप्सिलॉन बाय 2 के अब आपको पता लगा क्यों किया था देखो ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन हो जाएगा इसलिए एप्सिलॉन बाय 2 से डिवाइड करके चले थे यहाँ इक्वल नहीं होगा ये इक्वल नहीं है ये गलत लिखा हुआ है एप्सिलॉन इक्वल नहीं आएगा ठीक है ना अब देखो यहाँ से क्या बनाइए लेंथ एंड एप्सिलॉन आएगा क्या बनाइए यू एफ इनटू जीपी माइनस एफ एफ इनटू जीपी कितना बनाइए लेंथ एंड एप्सिलॉन लेकिन ये क्या होता है ये ग्रेटर देन इक्वल 0 भी तो होता है इंप्लाइज 0 लेंथ एंड इक्वल u f into gp minus f f into gp लेदर आंसर देन f into g belongs to कितना r a b लिख सकते हो इतना नोट कीजिए
एक और थ्योरम आएगी इसमें, लिखेंगे थ्योरम नंबर है 6.19। वैसे भी मैं सारे नंबर लिखता तो मैं इसी बुक के अकॉर्डिंग डलवा रहा हूँ, समझे आप इसमें। ये है एक टाइप ब्लॉक आ रही है और बाकी भी टेस्ट हो जाएगी। मोड है ब्लॉक टू आ रही है, मोड है ब्लॉक टू आर ए बी, मतलब कोई फंक्शन एफ है ना वो रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका मोड भी क्या होगा, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब यहाँ भी कोई बाउंडेड की कंडीशन, फंक्शन f कैसा रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो मोड f ऑफ x है ना वो तो ऑलरेडी बाउंडेड होगा, मोड लगा हुआ है ना उसमें तो नेगेटिव वाली भी टर्म कैंसिल हो जाती है उसमें। फिर इसमें का है आल्सो प्रूव दैट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी। For a to b f of x dx neither equal a to b f of x mod dx। ये भी एक ही दिन में होती है क्या पूरी कंप्लीट? हाँ सर आपने कहा कल ठीक है अगले टाइम का कहेंगे प्रूफ तो इसका अगले दिन ही होगा।